वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका कक्षा 1, 2, 3 भाषा एवं गणित की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। समय सारणी के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाएं शिक्षक। शिक्षकों ने की प्रतिकर अवकाश की मांग। बेसिक शिक्षा विभाग की चेतावनी के बाद RTE बच्चों से कर रहे दोहरा दुर्व्यवहार। इस विभाग में 19 साल बाद शिक्षक भर्ती। चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन 10 सितंबर तक। विशिष्ट BTC 2004 बैच कोर्ट के आदेश के बावजूद भत्ते का पता नहीं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था का मेनू व उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें निहब यूट्यूब चैनल पर बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही निदेशक पद के लिए जोर आजमाइश। लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशक व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के निदेशक पद की दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। कारण, इस पद पर कार्यरत सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। उन्हें पिछले वर्ष सेवा विस्तार मिला था, ऐसे में अब नए निदेशक की तैनाती होगी या फिर उनका कार्यकाल फिर बढ़ेगा, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इन दोनों पदों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की चर्चा है। इनमें बेसिक शिक्षा में अपर निदेशक सुभाष सिंह का नाम चल रहा है, वहीं माध्यमिक शिक्षा में तैनात अपर निदेशक महेंद्र देव वरिष्ठ हैं, लेकिन उनके वर्तमान पद को लेकर अड़ंगा लगने की आशंका जताई जा रही है। अन्य में माध्यमिक में ही तैनात अपर निदेशक मंजू शर्मा व अंजना गोयल के नामों की भी चर्चा चल रही है। लहरपुर सीतापुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में सोमवार को प्रसिद्ध विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय के सभी शिक्षक साप्ताहिक शिक्षक डायरी का अंकन और विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन कक्षा शिक्षण समय सारणी के अनुसार कराएं। खंड शिक्षा अधिकारी ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत पंचायत विभाग एवं कंपोजिट ग्रांट द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसमें SRG के सदस्य करुणेश कुमार मिश्र ने कहा कि निपुण भारत मिशन को सफल बनाने के लिए विद्यालय के सभी घटक को निष्क्रिय सक्रिय एवं प्रभावी बनाना आवश्यक है। कार्यशाला में ARP सुरेश कुमार ने पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर, विज्ञान किट व गणित किट के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षक सेवक राम, अनवर अली, अनुपम राही, अशोक कुमार अवस्थी, मोहम्मद असद, प्रदीप कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। बहराइच प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन, तहसीलदार विपुल कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निर्वाचन कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारियों, BLO व पदाभिहित के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिए जाने की मांग की। BLO कार्य के लिए क्षेत्र में मौजूद होने पर अनुपस्थित न माने जाने की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र अवस्थी ने बताया कि BLO कार्य के लिए शिक्षकों को आवंटित क्षेत्र में घर घर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा इस दौरान निरीक्षण होने पर उन्हें अनुपस्थित न माना जाए। अध्यक्ष ने बताया कि सदरवा में ही पूर्वा के उपजिलाधिकारी ने प्रतिकर अवकाश व BLO कार्य के लिए क्षेत्र में मौजूद शिक्षक को अनुपस्थित न करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र ओझा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नैमिष गिरी, सुनील सिंह, शिव कुमार, लक्ष्मीकांत द्विवेदी आदि मौजूद रहे। वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग की लाख चेतावनी के बावजूद शिक्षक अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ताजा शिकायत सारनाथ और लंका क्षेत्र के स्कूलों की है। अभिभावकों ने इन पर बच्चों से दोहरा व्यवहार करने की शिकायत की है। BSE ने दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं। सारनाथ की पूजा प्रीति देवी, नरेंद्र कुमार, रानी आशा, गुंजन सोमवार को शिकायत लेकर बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंचे। BSE से मिलने और कार्रवाई के आदेश के बिना अभिभावक कार्यालय से न हटने पर अड़ गए। पूजा ने बताया कि दनियालपुर सारनाथ स्थित एक शिक्षण संस्थान में उनके बच्चों का RTE के तहत दाखिला हुआ। स्कूल में बच्चों के साथ दोहरा व्यवहार होने लगा। इसमें इन बच्चों को कक्षा में पीछे बिठाना, उनकी कॉपी लेना चेक करना, उन्हें कक्षा के बाकी बच्चों से कमतर बताना शामिल है। पूजा ने बताया कि अभिभावकों पर सालाना 5200 रुपये फीस जमा करने को कहा जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि कुछ बच्चों को स्कूल की आवंटित शाखा से इतर दूरी शाखा में भेज दिया गया है। BSE अरविंद पाठक ने बताया कि सारनाथ, अमरपुर, शैलपुत्री और लंका स्थित स्कूलों को नोटिस जारी की जा रही है। स्पष्टीकरण न देने पर इनकी मान्यता वापस लेने की कार्यवाही होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 और विभागों को 27 नए शिक्षक मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए 7, 8, 9 और 10 सितंबर को इंटरव्यू होगा। इसमें कुल शिक्षकों के 24 पद शामिल हैं। वहीं 11 सितंबर को समाजशास्त्र विषय में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू होंगे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहल पर राजनीति विज्ञान विभाग में 19 साल बाद शिक्षक भर्ती होगी। विभाग अध्यक्ष एवं डीन CDC प्रोफेसर पंकज कुमार ने बताया कि आखिरी बार
2003 में 4 पदों प्रोफेसर और एसोसिएट के एक एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर भर्ती हुई थी। नियुक्ति के बाद डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे और डॉक्टर संजय कुमार की नियुक्ति दूसरे विश्वविद्यालय में हो गई। दोनों लोगों ने छोड़ दिया था। राजनीति विज्ञान में अभी 5 शिक्षक ही कार्यरत हैं। कुल 24 पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और प्रोफेसर के 2 पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए 7 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होगा। वहीं समाजशास्त्र विषय में शिक्षक भर्ती के लिए 4 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 और प्रोफेसर के 1 पद शामिल हैं। स्क्रीनिंग में प्रोफेसर पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों के सापेक्ष 11 सितंबर से इंटरव्यू आयोजित होगा। 2 और विभागों को जल्द मिलेंगे शिक्षक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग में 33 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू हो चुका है। इसमें प्रोफेसर के 5, एसोसिएट प्रोफेसर के 11 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पद शामिल हैं। वहीं शिक्षा शास्त्र विभाग में 21 पदों पर भी इंटरव्यू हो चुका है। इसमें प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पद शामिल हैं। प्रयागराज राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता भर्ती 2020 में चयनित और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड 2018 में प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 10 सितंबर तक हो जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर लगातार NIC के संपर्क में बने हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान, अनिल उपाध्याय, कृपा शंकर निरंकारी, रमेश कुमार तथा राजेश कुमार ने सोमवार को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता से मुलाकात की। कोर्ट के आदेश के बावजूद भत्ते का पता नहीं। प्रयागराज कोर्ट के आदेश के बावजूद विशिष्ट BTC 2004 बैच के तकरीबन 500 बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपए से अधिक स्टाइपेंड भत्ता का भुगतान नहीं हो सका। 1 दशक से अधिक समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन बेरोजगारों ने अब फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मानदेय भुगतान के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका की है। विशिष्ट BTC 2004 में प्रशिक्षण लेने वाले उन अभ्यर्थियों को सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अमान्य कर दिया था, जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से बीएड किया था। इसके खिलाफ दूरस्थ विधि से बीएड करने वालों ने याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2007 को उन्हें नियुक्ति के लिए अर्ह माना है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP की जो 26 अप्रैल 2013 को खारिज कर दी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने विशिष्ट BTC प्रशिक्षण किया, जो कि सितंबर 2014 में पूरा हुआ। विशिष्ट BTC के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति होने तक अभ्यर्थियों को ₹2500 प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। भत्ते की मांग को लेकर इन बेरोजगारों ने फिर याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2020 को राज्य सरकार को भत्ता देने का आदेश दिया था। सितंबर 2014 से अब तक तकरीबन 8 साल का भत्ता जोड़ने तो प्रत्येक बेरोजगारों को 2 लाख से अधिक का अधिक बकाया बनता है। इसके खिलाफ सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में SLP की, जो कि 11 जुलाई को खारिज हो गई। उसके बावजूद भुगतान नहीं हो सका। कानपुर की वंदना सिंह ने भुगतान के लिए हाईकोर्ट में अमान्य याचिका की। इसकी सुनवाई 26 अगस्त को होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल के कारण टल गई। दोस्तों, इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है ये है उसका जो है भोजन का मेनू। देखिए, ध्यान दीजिए आपको क्या मिलना चाहिए और आपको क्या प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशिक्षण प्रथम दिवस में सुबह का नाश्ता है पकौड़ी, बिस्किट एवं चाय। दोपहर का लंच में दाल, चावल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, पनीर एवं सूखी सब्जी, पापड़, सलाद, अचार एवं 1 मीठा। और उसके बाद फिर द्वितीय दिवस में है समोसा, बिस्किट एवं चाय। और खाने में दाल, चावल, पूड़ी, रोटी, 2 तरह की सब्जी, छोला एवं सूखी सब्जी, पापड़, सलाद, रायता, दही एवं 1 मीठा। उसके बाद तीसरे दिवस में है पकौड़ी, बिस्किट एवं चाय, दाल, चावल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, पनीर एवं सूखी सब्जी, पापड़, सलाद, अचार एवं 1 मीठा। और चौथे दिन में है दही जलेबी, दाल, चावल, पूड़ी, रोटी, 2 तरह की सब्जी, आलू परवल एवं सूखी सब्जी, पापड़, सलाद एवं 1 मीठा, पकौड़ी एवं चाय। ये है जो है आपके भोजन का मेनू, जो कि 4 दिवसीय प्रशिक्षण में आपको मिलना चाहिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना 2-2 बैच में बनाते हुए प्रतिभागियों का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण अगस्त के 2 सप्ताह से प्रारंभ कराते हुए 10 सितंबर 2022 तक समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में लापरवाही, प्रतिभागियों की अनुपस्थिति या अव्यवस्था क्षम्य नहीं होगी। डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। दोस्तों, ये आदेश है बस्ती का। तो ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।